राधे राधे। मैं नेहा जोशी, स्वागत है आपका जोशी एंड फैमिली में। आप सब अच्छे होंगे इसी आशा के साथ माँ भगवती से मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस महीने पड़ने वाली विवाह पंचमी के बारे में, इसका महत्व और साथ ही यह कब पड़ने वाली है और कुछ सरल उपाय जिसके विवाह संबंधी कोई दिक्कत हो रही हो या वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही हो तो एक छोटा सा उपाय करके आप इन चीजों से मुक्ति पा सकते हैं। आइए जानते हैं इस महीने कब है विवाह पंचमी और इसका महत्व। विवाह पंचमी इस माह 19 तारीख को मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ सीता और श्री राम जी का विवाह हुआ था। मिथिला नगरी जो कि माँ सीता की जन्मभूमि है, वहाँ जो कि नेपाल में पड़ती है और साथ ही अयोध्या में इसका विशेष रूप से महत्व होता है और बहुत अधिक मात्रा में अब वहाँ पूजा पाठ और इन चीज़ों का चलन है। जिसके भी विवाह संबंधी कोई परेशानी आ रही हो वो इस दिन अगर ये छोटे से उपाय करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से वह मुक्ति पा सकते हैं। पंचमी पर क्या करें यह जान लेते हैं। मनचाहे वर वधु की प्राप्ति के लिए विवाह पंचमी का व्रत करें, भगवान राम सीता के विवाह का पाठ करें। संपूर्ण रामचरित का पाठ करने से वैवाहिक जीवन में सुख में वृद्धि होती है। रात्रि जागरण कर रामधुन करने से भी परिवार में सुख समृद्धि आती है। साथ ही राम रक्षा स्रोत का पाठ व भजन करना बहुत महत्वपूर्ण और फल देने वाला माना जाता है। विवाह पंचमी पर संकल्प लेकर विशेष मुहूर्त में किसी गरीब कन्या का अगर विवाह किया जाए तो यह काफ़ी फल देने वाला और शुभ होता है। सीता जन्मभूमि जनकपुर नेपाल और अयोध्या में आज भी विवाह पंचमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम और सीता का विवाह कार्यक्रम रखा जाता है और मंदिरों में विशेष रूप से पूजा की जाती है। अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन ले। इसके बाद श्री राम विवाह का संकल्प ले और भगवान राम और माता सीता की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद भगवान राम को पीले और माँ सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद साथ में बालकांड में जो विवाह प्रसंग का पाठ है उसका पाठ करें। इस दिन बालकांड में भगवान राम और सीता के विवाह प्रसंग का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन रामचरितमानस का पाठ करने से भी पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से घरेलू कलह कलेश आदि दूर हो जाते हैं और साथ में विवाह पंचमी की पौराणिक कथा जान लेते हैं। वैवाहिक कथाओं के मुताबिक राम सीता का जन्म धरती से हुआ था। माता सीता का कहा जाता है कि जब जनक हल जोत रहे थे तब उन्हें एक बच्ची मिली और उसे वो अपने महल ले आए और अपनी पुत्री की तरह उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उस बच्ची का नाम सीता रखा। लोग उन्हें जनक सीता, जनक पुत्री सीता या जानकी कहकर पुकारते थे। साथ में जब माँ सीता एक बार मंदिर में भगवान शिव को धनुष को उठा लिया था तो उस धनुष को परशुराम के अलावा किसी ने नहीं उठाया था। उसी दिन से जनक ने निर्णय लिया कि वह अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करेंगे जो इस धनुष को उठा पाएगा। फिर कुछ समय बाद माता सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा गया। स्वयंवर के लिए बड़े बड़े राजा राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया। उस स्वयंवर में महर्षि वशिष्ठ के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके लक्ष्मण भाई भी आए जो कि बैठे थे। स्वयंवर शुरू हुआ और एक एक करके सभी राजा और राजकुमारों ने उनमें से कोई भी शिव धनुष को नहीं तोड़ पाया। यह देखकर राजा जनक बेहद दुखी हो गए और कहने लगे कि मेरी पुत्री के लिए कोई भी योग्य वर नहीं है। तभी महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम से स्वयंवर में हिस्सा लेकर धनुष को तोड़ने के लिए कहा। राम ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और एक बार में ही धनुष को उठाकर उसे प्रत्यंचा में चढ़ा दिया, लेकिन तभी धनुष टूट गया। इसके साथ ही राम स्वयंवर जीत गए और माता सीता ने उनके गले में वरमाला डाल दी। मान्यता है कि राम ने जैसे ही राम के गले में वरमाला डाली खुशी से लोग झूम उठे। यही वजह है कि विवाह पंचमी के दिन
आज भी धूमधाम से भगवान राम और माता सीता का गठबंधन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस भी पूर्ण किया था, इसीलिए विवाह पंचमी का विशेष महत्व हो गया है। इस वीडियो में हमने विवाह पंचमी की पूजा विधि जानी और इसके मुहूर्त और यह कब है इस बारे में चर्चा की। साथ ही जिनके विवाह में संबंधित कोई समस्या आ रही हो या वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है, वह इस दिन विशेष पूजा करके, जो कि श्री राम और माँ सीता की है, अपने सारे जीवन की तकलीफों से मुक्ति पा सकता है। और साथ में जब भी आप पूजा करें, जो गठबंधन में आपने जो सामग्री ले रखी है, जो पीला कपड़ा ले रखा है, उसको हमेशा से अपने पास में रखने से विवाह से संबंधित सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। जिनके भी विवाह में समस्या आ रही हो, यह वीडियो आपके लिए यूजुअल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पे आपको इसी तरह से नई नई जानकारियाँ मिलते रहती हैं, जो कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और साथ में ज्योतिष विद्या के अनुसार होती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।